हमारे पास आ चुका है Insta360X3। वही कैमरा है जिसे यहाँ से खड़ा होकर मैं अपने पीठ को देख सकता हूँ, और इस डंडे को यूज करके दिस इज सेल्फी स्टिक दोस्तों, इसको यूज करके आप आसमान की गहराई में जाओगे, चांद को टप्पी मार के वापस आ जाओगे। तो चलो फिर रिलैक्स दोस्तों, छाता नहीं है ये, 300 सेंटीमीटर की सेल्फी स्टिक है। सबसे पहले तो भाई इसके ऊपर क्या मस्त टेक्सचर है, कार्बन फाइबर का पूरा टेक्सचर है। इसको आप ऐसे ढीला करो दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा है, 300 सेंटीमीटर की सेल्फी स्टिक है, और इसका असली जादू आप पूरी वीडियो में देखने वाले। चलो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। कैमरे को आप लिटरली हर जगह यूज कर सकते हो, 72 मेगापिक्सल कैमरा है, HDR मोड है इसके अंदर, और अल्टीमेट स्टेबलाइज फोटोज आती है। असली खजाना अभी आपको दिखाते हैं। ये है अपना कैमरा, काफी भारी और काफी बड़ा सा बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, टाइप सी डेटा केबल, और ये है कैमरे का पाउच जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में इसका दोनों ही लेंस एक्सपोज्ड रहता है दोनों तरफ से, तो मेक श्योर कि इसके लेंस को आप टच ना करो, स्क्रैच से बचाना है आपको। Insta360 का स्टिकर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स भाई इसको फ्लेक्स करते हैं, और एक क्लीनिंग क्लॉथ है, और कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स है बॉक्स के अंदर, आपको यही मिलेगा। कैमरे के कपड़े निकाल लेते हैं, और साइड में ये बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर होगी बैटरी, बैटरी निकलती भी क्या स्टाइल से, और बैटरी निकालने के बाद कैमरा बहुत हल्का हो गया। 1800 एमएएच की बैटरी है, और ये वाले साइड पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, जहां से डेटा ट्रांसफर होगा और चार्जिंग होगा, और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। Nice. Insta360 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए, और जस्ट मैंने आईफोन से अपने कनेक्ट कर लिया, बहुत ही इजी प्रोसेस था। और अभी डायरेक्टली चल लेते हैं बाहर इसको यूज करने के लिए। अभी हम लोग आए हुए इंडिया गेट पे, और ये वाला कैमरा भी आपका ट्रैवल का फ्रेंड है। जब भी आप ट्रैवल करोगे इस कैमरा को लेके, आपको क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस आने वाला है। सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ इसका सेल्फी स्टिक, इट इज 300 सेंटीमीटर का सेल्फी स्टिक विच कैन गो लाइक दिस, और इतनी बड़ी सेल्फी स्टिक के हेल्प से आप ड्रोन शॉट ले सकते हैं कुछ ऐसा। और इसको छोटा करना भी बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा अटक जाता है लेकिन काम कर जाएगा। कैमरा देखने में थोड़ा सा आपको थिक है, यहाँ पे इसका पावर बटन है, इसको ऑन किया मैंने एक बार प्रेस करके, नोटिफिकेशन एलईडी आ गई। इसका ये 2.23 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले, सच में बहुत बड़ा है। कैमरा तो पूरा विजिबल है, लेकिन एप्लीकेशन सपोर्ट से आप कैमरा को अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ प्रेस करते हैं और देखते हैं कितने देर में कनेक्ट होता है। लिटरली 4 सेकंड में कैमरा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। अब मोबाइल से पूरा कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वीडियो बना सकते हो आप, इंस्टाग्राम रील के लिए ये वाला, यूट्यूब वीडियो के लिए ये वाला। तो अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 150 डिग्री पे, मतलब एक्शन कैमरा वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी हम लोग आए हुए इंडिया गेट पे, आप देख सकते हो। और रिकॉर्डिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपने आईफोन पे लाइव देख सकता हूँ, और रिस्पॉन्स टाइम में कुछ भी इशू नहीं है। तो एक बार अपना फेवरेट काम करते हैं। अभी आप देख रहे हो 360 में 5.7K वीडियो, और जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है Insta360 से ही है, और जितनी भी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने एप्लीकेशन से एक्सेस किया सबको आप कैमरे से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 360 मोड और सिंगल लेंस मिलने वाला है। इसका सिंपल मतलब होता है कि एक सिंगल लेंस 180 डिग्री कैप्चर करता है, तो दोनों मिला के आपको 360 हो जाता है, और आपका पूरा एनवायरमेंट कैप्चर होता है। तो जब भी आप इसको सिंगल लेंस की तरह कैप्चर करते हो, इसको आप एज अ एक्शन कैमरा यूज कर सकते हो। पहले बात करते हैं सिंगल लेंस की, यहाँ पे आपको लूप रिकॉर्डिंग मिलता है, फोटोज मिलेगा, वीडियोज मिल जाएगा, मी मोड मिल जाएगा। So, अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये मी मोड की है। मी मोड के लिए हमेशा स्टिक आपको सामने रखना पड़ेगा, ये मुझे फ्रेम में रखने वाला है, और स्टिक गायब हो जाएगा। तो अगर इसकी सेल्फी स्टिक में सामने, तो भी इसने मुझे फ्रेम में कैप्चर किया हुआ है। और मी मोड में 1080p 60fps 50fps 30fps 25fps और 24fps हम रिकॉर्ड कर सकते हो, और फील्ड ऑफ व्यू लीनियर से लेके अल्ट्रा वाइड मैक्सिमम तक रहेगा। और अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिंगल लेंस पे इसके फोटोज को, देखो इसके अंदर 36 एंड 9 मेगापिक्सल पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइमर भी यहाँ पे है पूरा 3 सेकंड, और अल्ट्रा वाइड वाइड लीनियर ये ऑप्शन है। एक बार लीनियर में लेते हैं, एस्पेक्ट रेशियो 16:9, 1:1 और 9:16 मिल जाएगा। और अभी हम लोग इसका वीडियो मोड ट्राई कर रहे हैं सिंगल लेंस पे। जब आप वीडियो बनाओगे यहाँ पे मैक्सिमम आप 4K पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अप टू 30fps 1080p रिकॉर्ड करते हो तो आप 60 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर OIS मिलने वाला है, मतलब कि अगर आप इसको लगा के दौड़ते वोड़ते भी हो ना तो भी कुछ इशू नहीं होने वाला है। सो ये वाला वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 60fps पे। काफी सनी डे है, इंडिया गेट पे लोग आए हुए हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्राउड काफी ज्यादा है, पूरी ऑडियो आप Insta360 का ही सुन रहे हो। अभी बात करते हैं 360 लेंस के बारे में। HDR वीडियो का ऑप्शन मिलता है, बाकी यहाँ पे आपको टाइम लैप्स है, टाइम शिफ्ट है, बुलेट टाइम है, लूप रिकॉर्डिंग है, स्टार लैप्स है, बर्स्ट मोड है, इंटरवल है, HDR है, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले एक्टिव HDR ट्राई करते हैं, क्योंकि आप ये वाला सिंगल लेंस के फुटेज में देख रहे हो मेरा ब्लैक बॉडी काफी ज्यादा कैप्चर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। एक्टिव HDR में आप रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे आपको सिंगल रेजोल्यूशन मिलेगा 5.7K का अप टू 30 फ्रेम्स। आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। ये रहा इंडिया गेट, और ये है हम। ये वाटर इफेक्ट काफी कमाल लग रहा है, देखो
और अपना कैमरा वाटर प्रूफ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस किया, लेकिन कुछ फ्यूचरिस्टिक फीचर बताता हूँ आपको। ऊपर से स्क्रॉल करोगे कंट्रोल पैनल आ जाएगा और यहाँ पे प्री का एक मोड है। सिंपल मतलब आपके रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अगर मैं 30 सेकंड चूज करता हूँ, इसका मतलब ये इसने रिजर्व में 30 सेकंड रखा हुआ आपके लिए, तो इससे आपके इंपॉर्टेंट शॉट्स मिस नहीं हो पाता है। अब कुछ क्रिएटिव शॉट ले लेते हैं, पेड़ के अंदर की जान देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने 70 मिनट तो रिकॉर्ड किया होगा और इसकी बैटरी हो चुकी है लो। 80 मिनट का आपको प्ले टाइम मिलेगा, छोटे फॉर्म फैक्टर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और बैटरी चार्ज करनी है आपको, यहाँ से आप ओपन करो, टाइप सी से आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक पावर बैंक कैरी करते हो अपने साथ, तो इसको आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। इसकी बैटरी आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, और डेफिनेटली अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो आपको एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए होगा। अगर बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड की, पूरा बिल्ड आपको एक हाई क्वालिटी रबराइज मटेरियल का बना हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा भाई कि ये है क्या, पर हम लोग सबको एक्सप्लेन कर रहे थे कि 360 कैमरा काफी कॉम्पैक्ट ऐसा कैमरा है और इसका इनविजिबल सेल्फी स्टिक सच में काफी कमाल की चीज है। मतलब कि जब ये इनविजिबल हो जाता है कैमरे के अंदर, तो बड़ा ही अमेजिंग सा फील आता है देखने में। तो इसकी बिल्ड सच में बहुत अच्छी है। अगर आप इसको गिरा वगैरह भी देते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। और वाटर प्रूफिंग 10 मीटर की मिलती है। इसको लेके आप पानी में 10 मीटर तक कूद सकते हो, लेकिन उससे ऊपर आपको डाइविंग का एक केस आता है। और दोस्तों अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये बुलेट एक्सेसरी। अब ये वाले कैमरे को फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए आपको इसके बहुत सारे एक्सेसरीज की जरूरत पड़ने वाली है। इसके आपको दो स्टिक आती है, दोनों इनविजिबल रहती है। आप इस वीडियो में देख रहे होगे, मैं रोड पे चलते चलते इसको शूट कर रहा हूँ और मेरे फुटेज के अंदर स्टिक गायब हो चुकी है। जस्ट लाइक जो सेल्फी स्टिक हम लोग इंडिया गेट पे यूज कर रहे थे, उसी टाइप का है। और इस वाले एक्सेसरी में आपको यहाँ पे ट्राइपॉड भी मिलता है, ऊपर में यहाँ पे माउंट है जिसके ऊपर आप एक्सेसरी को माउंट कर सकते हो, कुछ ऐसे कहीं भी रख दो और आप टाइम लैप्स को शूट कर सकते हो आराम से। और ये है इसका टाइम लैप्स। और ये वाला कैमरा इंटरनेट पे इतना वायरल हो रहा है कि इससे एक ज़ॉम्बी इफेक्ट बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कैमरे को मुंह में लेना है। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट इट। एप्लीकेशन के अंदर आपको सारा एल्बम मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी उन्होंने फोटोज क्लिक किए, जितना भी उन्होंने कमाल किया यहाँ पे, आप सब देख सकते हो। और एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टोरीज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप आके क्रिएट स्टोरी करो। उसके बाद कोई फुटेज को आप सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट करो यहाँ से। उसके बाद पूरे वीडियो को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंट्रोल मिलता है कैसे आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है, हर चीज आप चेंज वेंज कर सकते हो। कैमरे के अंदर यहाँ पे आपको एसडी कार्ड का स्पेस मिलता है। इस कार्ड से आप डेटा ट्रांसफर करोगे अपने लैपटॉप में। उसके बाद Insta360 का आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, यही सेम एप्लीकेशन वाला एडिट आप अपने लैपटॉप में कर सकते हो और वहां पे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि भाई डिस्प्ले बड़ी मिलती है। और अगर कॉन्स के बारे में बात करें, तो इस वाले कैमरे को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपको कम से कम 7-8 डेज लगेंगे क्योंकि भाई इसके फीचर्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा स्लो भी फील होगा आपको, मतलब इतना फास्ट कैमरा नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करता है, फट से नहीं करता भाई। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको आउटपुट निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा दिल को सुकून देता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ले सकते हैं। अगर आपको माउंटेन्स में जाना पसंद है, ऐसे नॉर्मल ट्रैवल करना पसंद है, सबके लिए बहुत ही एक अच्छा कैमरा है। इससे जो शॉट्स आते हैं ना, बहुत ही अलग होते हैं और हाई क्वालिटी होते हैं। तो आप इसको इंस्टाग्राम पर डालोगे और लाइक बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। और लाइक से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। तो इतने रखते हैं इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया हो। भाई हमने बहुत मेहनत की इस वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं भी तो इंडिया गेट घूम लेता हूँ। जैसे आ जाओ वो पार्क में जाना मना है ना।